This is Neha Sahaya and you're watching me on Mission Fit India. Today I'm going to talk about post-pregnancy depression and how to reduce weight post-pregnancy. Obviously, आप अगर ब्रेस्ट मिल्क पिला रहे हैं अपने बच्चे को जो आइडियल फर्स्ट सिक्स मंथ्स पीना ही चाहिए उसमें से ऑलरेडी आपका वेट घटना शुरू होगा. इट इज इम्पॉर्टेंट कि ऐसा कोई पर्टिकुलर खाना नहीं है जो आपका ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज कर सकता है. आप वही डाइट फॉलो कीजिए जो आप प्रेगनेंसी के टाइम कर रहे थे. ईटिंग राइट, ईटिंग अ कम्प्लीट मील विद कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन. आप अपनी इंडियन खाना देखिए, दाल रोटी सब्जी इज अ कम्प्लीट मील. या आप अपना चिकन सब्जी और रोटी खाइए, ये एक कम्प्लीट मील है. तो प्लीज इसको रोज खाइए. दूध अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए. अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप दही जरूर खाइए, उसका कैल्शियम बायो अवेलेबिलिटी बेस्ट है. तो प्लीज ये सब इंक्लूड कीजिए. पर ये ना सोचिए कि अगर आप ज्यादा दूध पियेंगे तो आपको दूध ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा आएगा. देयर इज नो कनेक्शन विद दैट. दूसरी चीज, एक्सरसाइज कब करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फर्स्ट 40 डेज इज एडवाइज नॉट टू एक्सरसाइज. आप खुद हील हो रही है अपने बॉडी में, आप ना सो रही क्योंकि आप बच्चे के साथ बहुत बार उठ रही हैं. इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में कीजिए. 40 डेज के बाद आप लाइट वॉकिंग के साथ शुरू कर सकते हैं. वो भी अगर आप घर में वॉक कीजिए अपने बच्चे के साथ, या अपने बच्चे को गार्डन में स्ट्रोलर में लेकर जाए, वहाँ से शुरुआत कीजिए. उसके बाद जब आप ब्रेस्ट मिल्क से अपने बच्चे को वीन ऑफ करेंगी, फिर आप अपना जिम ज्वाइन कर सकती है, ट्रेडमिल यूज कर सकती है, स्विमिंग कर सकती है, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकती है. पर अपना वेट जरूर पहले एक साल में कम करने की कोशिश कीजिए. एक्सक्यूजेस ना बनाइए और अपना वेट घटाइए, नहीं तो बाकी के प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे पोस्ट प्रेगनेंसी के. पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारी विमेन फेस करती है, जो वो खुलेआम बात नहीं कर सकती, अपने आप छुपाती है, ना उनके हस्बैंड समझ पाते हैं, ना उनकी फैमिली. ये एक सच्चा प्रॉब्लम है जो हम लोग इंडियन सोसाइटी में नहीं जानते और ना डील करना चाहते हैं. एक तो जब बच्चा पैदा होता है एक मदर बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाती है, उनको पता नहीं क्या करना चाहिए. दूसरी बात है वो लोग कम सोती है क्योंकि बच्चा हर दो घंटे के बाद फीड मांगता है. ये सब चीज़ें डिप्रेशन में लीड ईजिली हो जाती है. आप घर पर रहते हैं ज्यादा, आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, तो एक लोनलीनेस फील होता है. तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग पोस्ट डिप्रेशन के लिए? इजी ऑप्शन होता है एंटी डिप्रेसेंट पिल्स लेना. पर ऑब्वियसली एंटी डिप्रेसेंट पिल्स अपने साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लेते हैं और आप अब ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं. तो इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? एक तो आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको डिप्रेशन है आपके सिवा और कोई नहीं ये बात समझ सकता है. दूसरी बात, एक्सरसाइज कीजिए क्योंकि एक्सरसाइज एक चीज़ रिलीज करता है, वो है हैप्पी हार्मोन्स. व्हेन आई से एक्सरसाइज मतलब आप वॉकिंग भी करें, वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है. एक ये सोल्यूशन. दूसरा, बहुत सारा खाना भी आपको हैप्पी कर सकता है. अगर आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं तो अपना वेट स्लोली और स्टेडिली घटाइए, उसमें रश मत कीजिए. आप पतले वापस हो जाएंगे, आपका डिप्रेशन ज़रूर कम होगा विद टाइम. थोड़ा टाइम दीजिए, अच्छी तरह से सोइए, अच्छा खाना खाइए और उससे अपने हस्बैंड से प्लीज़ आपकी डिप्रेशन के बारे में बात कीजिए. I am Neha Sahaya and watch me on Mission Fit India. Mission Fit India. Brought to you by Patanjali.